हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे MMR के बारे में, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टलिटी रेट। हिंदी में से बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। ये क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी हाल ही में रिपोर्ट सब आई है और इसमें मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आया है। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है असम का, उसके ठीक बाद में मध्य प्रदेश का नाम है। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, केरला का परफॉर्मेंस एज ऑफ नो एज ऑलवेज दैट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं बेसिकली इसमें क्या मामला है। लुक एट दिस वन, एज ऑफ नो न्यूज पेपर्स ने प्रॉपर तरीके से दिखाया है, मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो इंप्रूव्स टू 97 इन 2018-20 फ्रॉम 130 इन 2014-16। लिखने वाले इस आर्टिकल को है दुर्गेश नंदन झा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। कमाल की बात यह है कि इनका जो देखिए एक राइटर जो है चीजों को कैसे प्रेजेंट करता है इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यदि वो देश की समस्याओं को उजागर करे तो उसको सॉल्व किया सकता है, लेकिन इस समस्याओं पे मिट्टी डाल दिया जाए तो बेसिकली वो चीजें उजागर नहीं हो पाती है। असल में कंपेरिजन करना था ठीक पुराने वाले से, तो पुराना वाला जो आर्टिकल आया था, पुराना वाला जो एमआर का डेटा आया था, उसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो था 103। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेट मी शो दिस वन टू यू, जस्ट वन सेकेंड। ये आप देखेंगे 2017-19 का जो डेटा है, इसमें भारत का जो परफॉर्मेंस है एमआर का वो था 103 और 2018-20 में परफॉर्मेंस हुआ 97। मतलब इतना ज्यादा रेज नहीं हुआ है, दैट इज मैथली 6 points लोअर हुआ है। लेकिन इसमें कुछ राज्य जैसे हैं जिनका परफॉर्मेंस पिछले वाले की तुलना में और भी खराब हो गया है, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ देम। एनीवे, पहले डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। याद रहे ये डेटा जो है पब्लिश किया आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रहे जो सेंसस है वो भी इन्हीं के द्वारा पब्लिश किया आता है, और इन्हीं के द्वारा स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टलिटी इन इंडिया 2018-20 का डेटा रिलीज किया गया। अब बोलेंगे 2018-20 का डेटा अभी हाल ही में क्यों रिलीज किया गया, नवंबर 2022 में रिलीज करने का क्या मतलब है? देखिए पुराने डेटा को ही प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने में कई कई महीने लग जाते हैं, दैट्स व्हाई ये पुराने डेटा प्रोसेस किया गया है। अगले साल 2019-21 का डेटा पब्लिश किया जाएगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। नाउ इसमें आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट से तो आपने पहले देख लिया, लेकिन यहां पर मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो होता क्या है, व्हाट इज एमएमआर। तो आप इतना सिर्फ याद रखें, पर 1 लाख लाइव बर्थ में, 1 लाख लाइव बर्थ में जितने माताओं की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं MMR, मातृत्व मृत्यु दर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा आ सकता है कि जो MMR का डेटा होता है वो कितने लाइव बर्थ में होता है, तो याद रखिएगा 1 लाख लाइव बर्थ में जितने माताओं की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टलिटी रेट। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट डेटा, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, है ना। Now, इसमें देखिए तो भारत का परफॉर्मेंस इस बार जो रहा है वो है 97। कुछ राज्य जैसे हैं जिनका परफॉर्मेंस वन ऑफ द लोवेस्ट में आता है, इसमें आता है असम। याद रहे असम में एज ऑफ नो बीजेपी गवर्नमेंट है, आप बता सकते हैं क्या वहां के सीएम कौन है। इसका परफॉर्मेंस वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, वो 195 यहां का परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरा है, इसका परफॉर्मेंस रहा है 173। कमाल की बात यह है कि पिछले बार की जो एमआर की रिपोर्ट आई थी उस पे मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर था। 2017-19 की आप रिपोर्ट देखेंगे, इससे मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस था 163 और इस बार का रिपोर्ट में आया है 173। मतलब मध्य प्रदेश 163 से लेके 173 तक पहुंच गया। मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस बेहतर होने की बजाय वो और भी घटने लग गया, मतलब 173 माताओं की मृत्यु हो गई। That's one of the big concern right now for Madhya Pradesh government. इसका मतलब इसको करता है कि मध्य प्रदेश में जो हेल्थ सेक्टर वो काफी कमजोर है और इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बेसिकली हम बजट में एलोकेशन देखें कि हेल्थ सेक्टर में कितना कम है, तो हमारा मध्य प्रदेश वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग है, इसमें हम लोग बहुत ही कम एलोकेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा यदि हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर की, यदि हम बात करें जैसे कि हम लोग किस क्षेत्र को प्रायोरिटी में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, किसी भी देश के डेवलपमेंट में ये सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ और एजुकेशन, और यहां पे सबसे अधिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जितना बेहतर एक्सपेंडिचर यहां पर होगा उतना अच्छा मैन पावर हमारा डेवलप होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं अभी हाल ही में बहुत सारे जो नगर परिषद के इलाके हैं, नगर परिषद क्या होता है, जो ट्रांजिशन एरिया होती है विलेज से अर्बन एरिया के लिए, वहां पर मैंने विजिट किया और कमाल की बात है बहुत सारे नगर परिषदों में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं दिखा।
कई सारे नगर परिषद तो ऐसे रहे जहां पर एक भी कॉलेज नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज इज अवॉर्ड है। वहां के बच्चे जो है 30-35 किलोमीटर दूर शहरों में जाकर पढ़ने जाते हैं। That's the one big concern right now. यहां पर देखिए तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखने की जरूरत है। डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो कहीं ना कहीं यहां पे सरकार को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। They need to work in that area. लोग कहते हैं कि नहीं आप क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। देखिए बहुत पुरानी कहावत है, निंदक नेरे राखिए आगर कुटी छबाए। यदि कोई आपकी निंदा करता है तो उसमें आपको पॉइंट्स पता चलते हैं कि हाँ ये एरिया है जहां पे आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने बाकी चीजें भी देखी हैं, लोग आपके प्रशंसा करने में बिजी रहते हैं, तो वहां पर जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहां पे आप कभी काम नहीं करते हो और वो एरिया आपकी कमजोर आती है। और ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। एनीवे आगे चलते हैं, यहां पर कुछ और राज्यों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भी परफॉर्मेंस काफी खराब है, 167 है, लेकिन पिछले बार की तुलना में उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बेहतरी देखी गई है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए यहां पर एक और टर्म आपको इस्तेमाल किया गया, ईएजी। ईएजी का मतलब है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। तो मध्य प्रदेश से राज्य जो है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में आते हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ और राज्य जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के परफॉर्मेंस में थोड़ी बेहतरी देखी गई, 141 लास्ट टाइम था। इस बार राजस्थान का परफॉर्मेंस जो है 113 है, मतलब राजस्थान में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसलिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ योजनाएं भी चलाएगी। बेसिकली लक्ष्य एक योजना है जो चलाई गई थी, तो इसका पर्पज ये था कि यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम किया जाए। तो ये कह सकते हैं एक बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम बनाने से महज काम नहीं चलता है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। इंप्लीमेंटेशन यदि अच्छा होता है तो कोई बहुत अच्छी स्कीम डिजाइन ना हो तब भी वो काम कर जाती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन खराब हो तो प्लान बनाने से कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आपने प्लान बनाया कि आज सुबह 3 बजे उठकर मैं पढ़ूंगा, और आपने प्लान बनाया कि ये चीज इतना पढ़ूंगा, और उसके बाद में आपकी नींद खुलती है सुबह 9 बजे। तो यहां पर प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन काफी जरूरी होता है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एट द ग्राउंड। इसके अलावा सदर्न स्टेट्स की बात करें, एज ऑलवेज दे हैड बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। केरला की बात करें, केरला हैड बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ इंडिया। यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है 2017-19 के डेटा के हिसाब से, और जो नया डेटा आपके सामने आया है 2018-20 का, इस डेटा में देखें केरला का परफॉर्मेंस कितना बेहतर हुआ है, 19 हो गया है, मतलब 30 से सीधे 19 हो गया है। तो यहां पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को केरला से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अक्सर हम लोग गवर्नमेंट के मामले में केरला गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बट वी नीड टू टेक द कंक्रीट स्टेप लाइक एज केरला। तो ये रहा बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में। इंटरव्यूज में आपसे पॉसिबिलिटी है कि एमएमआर के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, तो यहां पर कौन कौन से स्कीम इसके लिए चलाई जा रही है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप उसको आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। वहां पर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो हम लोगों ने एमएमआर और आईएमआर को कम करने के लिए चलाई है। दोनों टर्म समझना आपको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है पर 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हुई है ये रिकॉर्ड करता है। IMR जो होता है इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, ये पर 1000 बर्थ में कितने एक साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु आती है, ये IMR होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पर 1000 ये है पर 1 लाख, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार ये टर्म्स एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार को एमएमआर और आईएमआर को कम करने के लिए और कौन से प्रयास करना चाहिए? याद रहे आईएमआर के परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश सेकेंड लास्ट नहीं बल्कि सबसे लास्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, मतलब मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस आईएमआर के परफॉर्मेंस में सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि आईएमआर को बेहतर करने के लिए एक और प्रोग्राम चलाया गया, इसका नाम है MAA। क्या आप उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? प्लीज डू कमेंट बिलो। मुलाकात करते हैं फिर, लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सिविल सर्विसेज के बैच को उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे राम सोनी MBPSC नाम के टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।